हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रिक विद निशु। गाइस, 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशंस परीक्षा में आपको फेल होने से बचना है तो ये वीडियो आपके लिए। सिर्फ 5 दिन में गाइस आप अच्छी परसेंटेज ला सकते हो। सिर्फ आपको 5 टिप्स फॉलो करना जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस आपकी आने वाली है और सिर्फ आपके 1 मंथ से भी कम रह चुके हैं, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आप 5 डेज में, 1 वीक में भी आप अच्छी परसेंटेज ला सकते हो। कुछ आपको टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इस वीडियो में मैं 5 टिप्स आपको यहाँ शेयर करूँगी जिसके वजह से आप अच्छी परसेंटेज ला सकते हो। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि टॉपर आते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट के टॉपर का रीज़न होता है गाइस कि वो कुछ अलग ट्रिक अपनाते हैं जिसके वजह से वो माध्यमिक बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छी स्कोर लाते हैं, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, या CBSE हो, या जो भी अनदर बोर्ड की जो भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी स्कोर आ सके, इसके लिए आपको 5 टिप्स बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस की जो आपकी जो एडमिट होती है, रिजल्ट होती है, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी अनदर डिप्लोमा कोर्स सभी में आपका जो है वो दिया जाता है, ठीक है, आपके एडमिशन्स के बाद लगता है। तो आपके लिए परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर आप ग्रेजुएशंस में एडमिशन्स लेते हैं तो आपकी 12 की परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो सकती है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर फेल होने से बचना है गाइस, तो ये 5 टिप्स आप ज़रूर फॉलो करना। आप 1 वीक में अच्छे परसेंटेज ला सकते हो आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करके। फर्स्ट क्या गाइस, आपको रूटिंग फॉलो करने होंगे, ठीक है। आप रूटिंग अगर फॉलो नहीं करते तो अच्छे मार्क्स नहीं आ सकती। सेकेंड गाइस, कि आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप अभी से हैंड राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करो। 3 टिप्स गाइस, अगर आपकी जो टाइम मैनेज बहुत कम है, मान लीजिए आप बहुत कम धीरे स्लो लिखते हैं, तो अपनी टाइम को, स्पीड को, यानी लिखने की स्पीड को आपको मैनेज करना होगा, उसके बढ़ाना होगा, ठीक है। और थर्ड गाइस, आपको एक्यूरेट आंसर लिखना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ भी लिख कर चले जाते हैं, तो उस तरह से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको एक्यूरेट आंसर लिखना होगा। तो ऐसे मैंने 4-5 टिप्स बताए जो अगर आप फॉलो करते हो तो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट स्कोर ला सकते हो 100% गाइस। सो उम्मीद करते हुए अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, थैंक यू।